जिला चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी पद पर आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर के तहत कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी अमित कुमार ने कहा कि सभी कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला अस्पताल में कार्य करते चले आ रहे हैं। कुछ कर्मचारियों द्वारा COVID-19 Level 2 अस्पताल में भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कार्य को निरंतरता बनाए रखी जाए तथा उन्हें उनके कार्य से ना हटाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के अमित कुमार और जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। जी, मेरा नाम अमित कुमार है। हम लोग मांग लेके आए हैं, इस कोरोना काल में हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि जब मैन पावर की आवश्यकता है सरकार को, यहाँ से हम लोगों को जिला अस्पताल गोरखपुर से यहाँ से हटाया जा रहा है और इससे सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि हम लोग अब तक 5 साल से काम कर रहे हैं, काफ़ी अनुभव मतलब हम लोगों को हो चुका है। इसके बाद इस अनुभव के दौर में अगर नए लोगों को रखा जाएगा, या सरकार के आदेश आया है कि जेम पोर्टल से लोगों को रखना है, उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं उनकी निरंतरता बाधित नहीं होगी। उसके बाद भी हम लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है, तो हम लोग उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। SIC साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सरकार से बात करना चाहते हैं। DM साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया है इस संबंध में, तब अब देखते हैं क्या होता है। अभी इसमें देखिए, कोई आदेश आया है, आदेश के क्रम में ही हम लोगों को हटाया जा रहा है। अब आदेश हम लोगों को क्लियर मिला नहीं। हम लोगों के पास जो पुराना आदेश था कि रखा गया है मतलब निरंतरता बाधित नहीं होगी, उसका 8 पन्ने का आया हम लोगों के पास, जो उसी के माध्यम से हम लोग अभी तक मतलब इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का वेतन हो गया दिसंबर माह 2020 से मार्च 2021 तक का वेतन हम लोगों का रुका हुआ है। पिछला भी 1-2 महीने का रुका है, पिछले साल मार्च महीने का। लोग तो जान ही रहे हैं, हर समस्या तो बरकरार है, ठीक है। उसमें मतलब हर जगह स्टाफों की जरूरत है, इतनी तेज़ी से मृत्यु हो रही है, ठीक है। इसमें मतलब लोग मतलब इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं मरीजों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ से हमारे यहाँ से मेडिकल कॉलेज स्टाफ भेजे जा रहे हैं, अगर हम लोग भी यहाँ काम करते तो और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ से हम लोग भी मेडिकल कॉलेज में जाके काम कर रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना महामारी फैली हुई थी पहली बार में, उस हमारे यहाँ से बहुत से स्टाफ जाके नंदनगर Level 2 के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम किया, योगदान उनका सराहनीय रहा। अब भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी काम कर ही रहे हैं। मतलब हम लोगों को निकालने की वो लोग वो कर रहे हैं, हम लोगों का सैलरी भी सब रुका है। अब लोग भी मतलब कि मतलब वो निकालना चाहते हैं, कोई वजह नहीं है। नहीं, इसमें 22 मार्च को स्पष्ट महानिदेशक की चिट पत्र आया था कि आउटसोर्सिंग के लिए मानव संसाधन रखने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आप 7 दिसंबर 2020 का शासनादेश जो मुख्य सचिव के द्वारा है वह पालन किया जाए। और इस संबंध में मुख्य 7 दिसंबर का शासनादेश है कि जेम पोर्टल से बंचिंग टेंडर करके लिया जाए। उसमें ये होता है कि दूसरे किसी जेम पर एजेंसी तय हुई वो भी उससे भी हम ले सकते हैं, या अपने जेम पोर्टल पर टेंडर कर सकते हैं। इसकी कार्रवाई चूँकि 22 मार्च थी, इस संबंध में मैंने 22 अप्रैल के पहले 2 बार चिट्ठी लिख मैंने महानिदेशक को दे चुके हैं कि इस संबंध में कृपया दिशा निर्देश दी जाए। कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं पाया गया। अंततः 7 दिसंबर 2020 के शासनादेश को पालन करना पड़ा, जो अंतिम मुख्य सचिव का शासनादेश है। जहाँ तक रखने की बात है, तो जेम पोर्टल से एजेंसी तय की जा रही है। एजेंसी जब तय हो जाएगी तो जो कर्मचारी का काम ठीक होगा, उनके प्रति कोई लापरवाही का ऐसे आरोप नहीं होंगे, उनको रखने के बाद ही दूसरे को लिया जाएगा। वेतन के मामले में मेरे द्वारा बिल भेजा गया था, किसी त्रुटिवश ट्रेजरी से बजट उपलब्ध न करके बिल वापस आ गया। इस संबंध में 7 अप्रैल और 16 अप्रैल को फिर से दोबारा बजट देने के लिए महानिदेशक को लिखा जा चुका है, और कल मैंने तीसरी रिमाइंडर फिर मैंने भेज दिया है वहाँ पे कि इनका बजट दी, जैसे बजट मिल जाएगा इनका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ऐसे कोई बनवाई इसमें ऐसा कोई नहीं है, हमारे स्टाफ नर्स इसमें कोई नहीं है। मेन इसमें जो नर्सिंग स्टाफ की पड़ती है, पैरा फार्मासिस्ट की पड़ती है, इसमें कुक हैं, चौकीदार हैं, अनाउंसर हैं, OPD हमारी बंद चल रही है, इनके हटने से ऐसे दौर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।